मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। घर में जो है फुकरा इंसान की काफी ज्यादा टांग खींची जा रही है। आखिरकार फुकरा इंसान कल रात से जिया के साथ जो चीजें कर रही हैं उसको लेके ये टांग खींची जा रही है। जहां पर मनीषा का और एल्विश का भी कहना ये है कि भाई तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारा भाई क्या सोचता होगा। मम्मी सोचती होगी कि तो मेरा तो सख्त लौंडा था, मैंने तो सख्त लौंडे को जो है घर में भेजा था, अब ये लड़कियों के पीछे पड़ गया है, लड़कियां इसका डिसीजन ले रही है जिंदगी का। अभी तेरा भाई ट्रिगर भी, वो सोचता होगा कि आखिरकार मेरे भाई को हो क्या गया है। हालांकि हो क्या गया है ये भी बात मुझ में, मतलब कि मैं भी सोच रही हूँ कि ऐसा क्या हो गया जो कि इतना ज्यादा डिफेंड कर रहा है फुकरा इंसान। मुझे ऐसा लगता है कि पहले इन लोगों को समझ में नहीं आया था गेम का, जैसे कि फुकरा इंसान गेम को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जैसे जोड़ियां बनाई जाती है कि भाई ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। मे बी शायद फुकरा इंसान ये बात सोच रही है कि जिया और मुझे जो है बाहर बहुत ज्यादा पसंद कर रहे होंगे, इसीलिए वो डांस वाले टाइम पे भी साथ में खड़ा किया, अब जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट ले रहे हैं कि बाहर बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि बाहर बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं इनकी जोड़ी को। फुकरा इंसान को लोग बचाना चाहते हैं जिया से। जिया एक ड्वेल पर्सनैलिटी है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि कभी भी कहीं पर भी पलट सकती है, और जिया ने खुद ये बात मानी है कि यार डबल नहीं, मेरे में तो 6-6 पर्सनैलिटी होगी। इंसान अगर अपने जैसा ही एक ही रहे तो इंसान को पहचान सकते हैं, 6-6 पर्सनैलिटी वाले एक ही इंसान को कैसे पहचान सकते हैं। अगर बीमार है तो भाई इलाज करवाना चाहिए, क्या कहते हैं आप ही बताइए। पर फिर भी जो है फुकरा इंसान कभी बोल रहे हैं नहीं, जिया से पूछ लो, कभी बोल रहे हैं नहीं भाई मैं तेरे गैल ही सोऊंगा, भाई ठीक है भाई, ऐसा है भाई, वैसा है भाई। पर जहां पर इनका फेस देखा जा रहा है फुकरा इंसान का, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो खुद जिया को छोड़ना नहीं चाहते। अभी आप बताइए कि इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे, इस मैटर के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे। मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। आप बताएंगे तो शायद मेरे चक्षु खुले, क्योंकि मैं काफी ज्यादा स्विच ऑफ हो गई हूँ इस मैटर को लेके। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।